हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा सुमित ग्रेस होटल दार्जिलिंग के बारे में, अपना एक्सपीरियंस। इस होटल का आउटर व्यू है। ये होटल जला पहाड़ पे है दार्जिलिंग में, जो कि काफ़ी ऊंचा पहाड़ है। ये चौरास्ता से लगभग डिस्टेंस वाइज तो ये आपको 1.2 किलोमीटर पड़ेगा, बट आपको पूरा ऊंचा पहाड़ लगभग 200 मीटर ऊंचाई पर चढ़ना होगा। तो आउटर व्यू आप देख सकते हैं, और ये होटल के लॉबी से और टेरेस से यू कैन से जो आप व्यू आता है, या फिर जो व्यू है होटल का, आप इसे देखेंगे। और आप देखेंगे ये जो सामने रोड आपको दिख रहा है, वो सीधा आपको चला जाएगा चौरास्ता। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं रोड। ये व्यू है माउंट कंचनजंगा, आप सामने देख सकते हैं यहाँ से पहाड़ी से। होटल के व्यू ओनली फर्स्ट सूट जो है उसके लिए बालकनी, प्राइवेट बालकनी दिया हुआ है। अदरवाइज जितने सूट हैं यहाँ पे उनके बालकनी जो है वो कॉमन है। ठीक है, ये बैक साइड में आपको सेंट पॉल स्कूल है, जो काफ़ी पुराना स्कूल है। ये सामने जो रोड दिख रहा है, दूर जाते हुए चौरास्ता जाता है, लेकिन ये आपको काफ़ी ढलान पर जाना पड़ता है। जब आप वापस आओगे तो काफ़ी ऊँचा चढ़ के आना होता है। लेकिन कार वगैरह से जो आने का यहाँ रास्ता है, ये रास्ता है, आप देख सकते हैं स्पाइरल की तरह मुड़ा हुआ है। इस तरह कार को काफ़ी ऊँचा आना पड़ता है। तो चौरास्ता से जब भी आप यहाँ पे आना चाहेंगे, आपसे 300 या 200 रुपये टैक्सी वाले लेंगे। आप वॉक करके भी आ सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इसमें आपको मेहनत पड़ेगी। ये यहाँ का ओपन टेरेस है, जहाँ पे आप बैठ कर लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम की विंटर में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। अगर दार्जिलिंग दिख रहा है माल रोड बस। के पास अगर टेम्परेचर 6 डिग्री 6 डिग्री होगा, तो ये जला पहाड़ पर लगभग 2 डिग्री के आसपास होगा। 3-4 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, और यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। आसपास में आपको यहाँ खाने के लिए सिर्फ एक बगल में एक शॉप है, वहाँ किराना का कुछ आइटम मिल जाएगा। और खाने के लिए आप यहाँ के होटल के रेस्टोरेंट में आप खाना खा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कोई आपको व्हीकल यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको होटल वाले को बोलना पड़ेगा, वो आपके लिए व्हीकल अरेंज करेंगे। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, और ये शहर से काफ़ी, मतलब कहने के लिए तो 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, बट ऊंची पहाड़ी पे है। 200-250 मीटर की ऊंचाई पे आपको चढ़ना पड़ता है या उतरना पड़ता है, तो ये एक थोड़ा एक सेपरेट हो जाता है। ये नाइट व्यू है होटल में, जो डिलक्स रूम्स हैं उसका ये लॉबी है, और इसके थ्रू आप बाहर टेरेस की तरह जाते हैं, जहाँ से आप पूरा व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। होटल काफ़ी सुंदर है, बट काफ़ी ओल्ड है, और बहुत सारे आइटम इसके मतलब टूटे फूटे से भी हैं अंदर में। जैसे हमने सूट रूम लिया था, तो उसमें बहुत सारे जो आइटम्स थे, बहुत सारे जो फर्नीचर्स थे, वो थोड़े से क्रैक थे, या जैसे बाथरूम का जेट जो था प्रॉपरली वाटर नहीं दे रहा था। और बाथरूम का जो कंडीशन है वो काफ़ी पुराना है। वहाँ गीज़र या वाट गर्म हॉट वाटर कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी काम करता है, नहीं करता है, ये एक प्रॉब्लम है वहाँ की। ये रूम्स भी है, ये काफ़ी, जब बेड में आदमी सोता है तो कभी कभी जब उठता है तो बार बार चोट भी लग सकता है इसमें, तो काफ़ी आपको ध्यान रखना होगा। कपड़े भी आपके इसमें फटने के चांस रहते हैं। मेरा जैकेट इसमें लग गया था, फट गया था, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। ये सूट रूम है, लाइक डुप्लेक्स का आपको मज़ा देता है। फर्स्ट फ्लोर पर आपको बेड लगे होते हैं, और जो डुप्लेक्स का जो ग्राउंड फ्लोर होता है, वहाँ पर आपको वाटर वगैरह, कॉफ़ी मग वगैरह बना सकते हैं, और बाथरूम की फैसिलिटी है ग्राउंड फ्लोर पे। जो नीचे की तरह देख रहे हैं, दैट इज़ कैन वी कैन से ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, और यहाँ पे आपको बॉनफायर की भी फैसिलिटी है होटल रूम के अंदर, लेकिन इसका 700 रुपीज़ चार्ज होता है पर नाइट, तो वो आप देख सकते हैं। और यहाँ जैसे आप विंडो खोलेंगे तो बाहर टेरेस की तरह ओपन होगा, तो रूम से पार्टिकुलरली कोई व्यू आपको नहीं मिलेगा, आपको बाहर टेरेस पर निकलना होगा, तो वहाँ से आप व्यू को इन्जॉय कर सकते हैं। ये बाथरूम एरिया है, यहाँ पे ये गीज़र लगा हुआ पुराने ज़माने का। बाथरूम क्लीन है बट काफ़ी ओल्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें, नल जो टैप हैं वो कभी प्रॉपरली काम नहीं करते, सो थोड़ी डिफ़िकल्टी तो होती है यहाँ पे। रूम ठीक है, स्टाइल भी अच्छा है, बट थोड़ा इनको और अच्छे से डेकोरेट करेंगे तो और बेटर हो सकता है। बेस्ट पार्ट इस होटल का ये है कि यहाँ से अगर व्यू जो है, लंच डिनर या ब्रेकफास्ट का जो आप व्यू इन्जॉय कर सकते हैं, वो काफ़ी अमेजिंग है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे, सबसे ऊंची चोटी आप कह सकते हैं दार्जिलिंग का, तो वहाँ पे ये बसा हुआ होटल है, तो वहाँ से आप व्यू काफ़ी अच्छा इन्जॉय कर सकते हैं। इसके लेफ्ट होटल के लेफ्ट साइड में जब बाहर निकल के देखेंगे, तो आपको पीस पकौड़ा भी वहाँ से दिखाई देगा, जैपनीज टेम्पल दिखाई देता है लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में आपको, और थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो वहाँ पर चौरास्ता की तरह वो चौरास्ता मॉल रोड आप हल्का फुल्का देख सकते हैं। तो ये ऊंचाई पे पहाड़ है, तो बेस्ट है 1 या 2 दिन, 1 या 2 नाइट के लिए अगर आप रुक रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होटल है। व्यू वाइज काफ़ी अच्छा है, रूम तो ओके ओके है, 2 स्टार 3 स्टार होटल आप कह सकते हैं।
बट व्यू काफ़ी अच्छा आता है और होटल का खाना भी, रेस्टोरेंट में जो फूड है वो काफ़ी अच्छा है। बट एक प्रॉब्लम इनकी ये है, पूरे सब जगह रेस्टोरेंट में 5% GST लगता है और इनका 18% GST लगता है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। बट खाना जो भी यहाँ पर मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है, स्पेशली इंडियन फूड। हमने ट्राई किया था इटालियन फूड लाइक पास्ता एंड ऑल, वो मतलब ओके ओके था। बट इंडियन फूड और चाइनीज़, जैसे बिरयानी हमने ट्राई किया था, चाइनीज़ मंचूरियन वगैरह ट्राई किया था, वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी टेस्टी था, हमें काफ़ी पसंद आया। तो खाना भी आप यहाँ पे खा सकते हैं, लेकिन आउटसाइड कुछ नहीं है, आपको 1-1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। ये माउंट कंचनजंगा का व्यू है जो कि आप होटल के इस टेरेस से डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर दिन साफ हो तो काफ़ी अच्छा से व्यू आता है क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है। ये इसका नाम जला पहाड़ है और ये वॉकेबल नहीं है, चौरस्ता या किसी भी डेस्टिनेशन जहाँ आप जाना चाहते हैं घूमने के लिए वहाँ से वॉकेबल, बहुत डिफिकल्टी होती है चौरस्ता से यहाँ आने में, आपको टैक्सी ही लेना पड़ेगा। अगर आप हिम्मत है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत, जाना डिफिकल्ट नहीं है बट आने में बहुत डिफिकल्ट क्योंकि काफ़ी ऊंचा चढ़ के आना पड़ता है। ये व्यू है आपका, सूट रूम आप ऊपर अभी देख पा रहे हैं, ये सूट रूम है और सबका कॉमन बालकनी है, बाहर निकलना पड़ता है और ये कॉमन बालकनी है, यहाँ से आप व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। नीचे में जो रूम दिख रहा है ये सब आपको डिलक्स रूम है, तो इसमें हमेशा आपको पर्दा ऑन रखना पड़ेगा, प्राइवेसी आपकी थोड़ी ब्रीच हो सकती है अगर आप पर्दा खोलते हैं तो। ये अंदर में दरवाज़ा जाता है जो कि ग्राउंड फ्लोर तक पहुँचता है। हॉस्पिटैलिटी भी काफ़ी अच्छा था, स्टाफ भी अच्छे थे, बट ओनली थिंग रूम्स और बाथरूम काफ़ी पुराने थे, वो सब आप देख सकते हैं। लेकिन व्यू के लिए ये बेस्ट होटल है, लोकेशन बहुत ही मतलब अच्छा तो नहीं कह सकते, बुरा है लोकेशन इसका, काफ़ी दूर है, काफ़ी ऊंचाई पे है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सुमित ग्रेस होटल दार्जिलिंग। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ट्रैवल फॉर लाइफ। थैंक यू।